विस्कोसिटी क्या चीज़ है इसको समझते हैं। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जैसे इलास्टिसिटी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि जब भी वो लिक्विड फ्लो करेगा किसी पाइप में, मूव करेगा, तो लिक्विड अपने आप अपने अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप करेगा और अपने आप को मूव करने से या फ्लो करने से रोकेगा। जैसे आप एक पाइप में मान लो एक पानी को मूव करवाते हैं या कोई लिक्विड मूव करवाते हैं, तो उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि आपको उसको रोकती हैं फ्लो होने से। आप भी इमेजिन कर सकते हैं, आप पानी के अंदर स्विम करने की कोशिश करें, आप फील करते हैं कि पानी आपको रेजिस्ट कर रहा है, आप उतनी तेज़ी से स्विम नहीं कर पाते जितना आप जोर लगाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है उसमें। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, आप एक काम करें और बढ़िया देखना है तो आप शहद ले लें। शहद को विस्कस लिक्विड है, शहद को आप किसी पाइप में मूव करवाएं मतलब ही नहीं शहद मूव करेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़बरदस्त फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप होती हैं जो उसको फ्लो करने से रोकती हैं। तो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है, जितनी विस्कोसिटी हाई होगी वो शहद की तरह उतना ही विस्कस होगा और ठीक तरह मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस टू हाई, और जितनी विस्कोसिटी कम होगी पानी की तरह, पानी एक नॉन विस्कस लिक्विड है बता दूं मैं आपको, पानी के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस बहुत कम होती हैं एज कम्पेयर टू ऑयल एंड हनी, उनके साथ तो बहुत ही होती हैं। तो पानी नॉन विस्कस लिक्विड है और ये लीक फिर भी कुछ तो विस्कोसिटी होती है, जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है जो कि फ्रिक्शनल फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही विस्कस होगा, कम होंगी कम विस्कस होगा। तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन एंड विच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। बताता हूँ ये डिफरेंट लेयर्स का रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट क्या है। ये माना जाता है कि जब एक लिक्विड मूव कर रहा होता है या फ्लो कर रहा होता है तो लिक्विड की जो सबसे टॉप की सरफेस है वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ चलती है। आप अगर कोई भी अगर आप मान लो यहाँ पे ऑयल गिर लें, तेल गिरा हुआ है, तेल के ऊपर एक प्लेट ले लें, प्लेट सिंपल, प्लेट को खींचना मुश्किल हो जाएगा तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी, ऑयल उसे खींचेगा। तो जब आप मूव करवाएंगे तो ऊपर की लेयर मूव करेगी, अगर वो तेल की डेप्थ ज़्यादा है तो बिल्कुल जो नीचे तेल लगा हुआ है टेबल के ऊपर वो मूव ही नहीं करेगा कुछ ऐसे। ये देखो, तो ये प्लेट मूव करवा रहे हो सरफेस के ऊपर, तो ये तेज मूव करेंगी प्लेट के साथ साथ, बाकी स्लो 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 स्लो। तो ऐसा डायग्राम बनता है। ऐसी जब भी लिक्विड मूव करता है तो मान लो इमेजिन करो वो लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, इमेजिन कर रहे हैं, तो जो पहली टॉप मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, और जो बिल्कुल नीचे है वो तो ऑलमोस्ट नामात्र है। तो इमेजिन करें एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करना चाहती है लेकिन दूसरी मोशन चलने को तैयार नहीं है, नीचे वाली चलने को तैयार नहीं या कम चलने को तैयार है, ऊपर वाली ज़्यादा चलने को तैयार है, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन से क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगी। देखिए ना, दो लोग हैं, एक तेज भाग रहा है एक स्लो भाग रहा है, आपस में जुड़े हुए हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, तो यार जोर भी पड़ेगा हाथ पे क्योंकि एक तेज भाग रहा है एक स्लो भाग रहा है, तो फ्रिक्शन है ना। तो अच्छा, ऐसे समझ लो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में ऊपर की लेयर ने नीचे की लेयर को पकड़ के रखा हुआ है, एक तेज भाग रही है एक स्लो भाग रही है, तो यहाँ पर नीचे लेयर ऊपर वाली को खींचेगी तो कैसे मूव कर रही है, विद सम रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएंगी जो मोशन को अपोज करेंगी। तो अगर पानी की या लिक्विड की मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट होगी। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी है। पहला एग्जांपल विस्कोसिटी का ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर बीकर पड़ा हुआ है, आपने पानी को घुमा दिया गोल 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 घुमा के छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो स्लो 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 होता होता रुक जाएगा क्योंकि अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेज डेवलप होंगी जो उसको गोल गोल घूमने से रोकेंगी। नेक्स्ट है, जब हम पूल के अंदर स्विम करते हैं तो पानी हमें रेजिस्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज, विस्कोसिटी है पानी की। नेक्स्ट है, हम एयर में तो बहुत तेज भाग सकते हैं, पानी की सरफेस के नीचे जाके अंडरग्राउंड में अगर पानी के नीचे चले जाएंगे आप भाग नहीं पाएंगे तेजी से क्योंकि बहुत जबरदस्त फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, ये सब बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।